हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेड इन इंडिया न्यू R260 रेलवे ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो कि 23 जून 2020 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था, जिसका ऑर्डर RDSO ने दिया था और इसको बनाया था सेल कंपनी ने, जो कि एक महारत्ना PSU है। और ये भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा बनाया गया था, जो कि सक्सेसफुली अब रिलीज भी कर दिया गया। तो उसके कुछ वीडियो क्लिप्स बाहर निकल के आए हैं, वो वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके विषय में हमारी मिनिस्ट्री रेलवे ने और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसके बारे में क्या कहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा और वीडियोस दिखाऊंगा। इससे पहले रेलवे से जुड़े नए अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेड इन इंडिया सेल कंपनी के द्वारा जो रेलवे ट्रैक बनाए गए थे, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, वो आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये ट्रैक्स भिलाई स्टील प्लांट से सक्सेसफुली रिलीज कर दिए गए हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली रिलीज किए जा रहे हैं और ट्रैक बिछने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और अगर आप बैक व्यू देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना ज्यादा ट्रैक्स अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी ये ट्रैक्स देख रहे हैं, ये सिर्फ 50% है, 50% अभी बाकी है। तो अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूँ, यानी कि ये कितना है, तो ये है 35,400 मैट्रिक्स टन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन ये 50% ही ट्रैक्स हैं, अभी 50% और बाकी हैं, अभी 50% ही रिलीज किए गए हैं। तो इसके विषय में हमारे रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अपने ट्वीट पे क्या लिखा है, तो आप भी देखिए उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। मेक इन इंडिया पावर रेल मैन्युफैक्चरिंग रेल पटरियों पर उच्च गति और लोड की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए पहली बार भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली R260 रेल वितरित की गई है। तो इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सेल स्टील ने भी कुछ मेंशन किया है। तो सेल स्टील अपने ट्वीट में क्या लिखती है, पीयूष गोयल सर धन्यवाद। और यहाँ पे इन्होंने रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैग भी किया है और ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर से नियंत्रण योगदान दे रहा है हमारा कंपनी। तो मेक इन इंडिया R260 से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स आपके लिए आज के इस वीडियो में इतने ही थे। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो हम आपको इस तरह रेगुलर अपडेट करते रहते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से।